Welcome to online classes. All of you relatives are solving the exercise questions after precious metals and non-metals. And in my previous video, you have obtained solutions of 6 questions. And today, question number 7 onward, we should solve. Question number 7 is given in your book. Name two metals which displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. दो मेटल के नाम बताइए जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और दो मेटल ऐसे बताइए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। बेटा ये हम लोगों को उसमें समय समझना चाहिए, ये दो ही मेटल की बात नहीं है, कई मेटल के बारे में हम इसका आंसर दे सकते हैं। जो हमारी एक्टिविटी सीरीज बनी हुई है अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है वो ये है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की बात करी गई है, तो हाइड्रोजन से ऊपर ये सभी हैं, ये सभी मेटल लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकिल टिन एंड लेड, ये सभी ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिलीज कर सकते हैं। और ये दो की बात की गई है, आप इतने सारे कापर एच जी ए जी पी टी ए यू कोई भी इसमें से लिख सकते हैं जो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते, ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते। और ये सभी इंक्लूडिंग ऑल दीज, ये सभी हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। इतना सा केवल सिंपल सा आंसर है, ये हम दो की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अगर ये सीरीज याद है तो आप यहाँ पर कोई एसिड ले लीजिए, जैसे HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए और इसमें से किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए, जैसे आप K के साथ रिएक्शन करा दीजिए, लीजिए यहाँ पर BA के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये पोटेशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ये डाइल्यूट आपने लिया है, ये भी डाइल्यूट आपने लिया है, ये BaSO4 बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हम यहाँ बधे हुए नहीं है कि पोटेशियम ही केवल लें या बेरियम केवल लें, हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं यहाँ तक H2 के ऊपर तक, और ये सभी हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। जबकि नीचे का कोई भी लेंगे, दो का कहा गया था तो मैं दो एग्जांपल लिखा, तो यहाँ पर यही अगर आप HCl ले लीजिए और आप यहाँ पर बात करिए कि हम ए सी यू से रिएक्शन करा रहे हैं और ये सी यू सी एल टू बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप एटीपी सीरीज के बारे में पहले जान चुके हैं, या आप H2SO4 ले लीजिए और ये डाइल्यूट है, और H2SO4 के साथ में आप AG का HG के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और कह दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए कि HGSO4 बन गया और H2S बाहर निकल गया,
तो ये नहीं होगा। ये ध्यान दे करके आप लोगों को ये सीरीज को रखना जरूरी है। जब आप सीरीज तैयार किए रहेंगे तभी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। ये अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनेंगे इस प्रकार से, और आप अनलिमिटेड क्वेश्चन के आंसर देने में एलिजिबल हो जाएंगे। और जब तक ये सीरीज नहीं रट लेंगे तब तक आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सीरीज को आपको स्टेप वाइज सीरियल वाइज याद कर लेना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पता चल गया कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं उसमें से कोई भी अगर हम एसिड सिलेक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, और अगर कोई नीचे है हाइड्रोजन से उसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि इसको आप जरा सा ध्यान से समझ लें और तैयारी भी कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर विशेष बात बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर हम करते हैं तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसमें एक थिन मेटल का कैथोड लगाते हैं और एक थिक एनोड लगाते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये थिक होता है, ये थिक इम्प्योर मेटल और ये थिन कैथोड जो होगा ये थिन प्योर मेटल का बना होगा। और ये जो सॉल्यूशन हमारा होगा वो मेटल के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट मेटल मेटल साल्ट इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा मेटल साल्ट, मेटल साल्ट जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और इस मेटल साल्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे होगा मेटल साल्ट सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। जब हम करंट पास करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो फिर कैथोड पर मेटल कलेक्ट हो करके इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाता है। ये प्योर मेटल है, डिपॉजिटेड मेटल, डिपॉजिटेड प्योर मेटल, और ये कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या इलेक्ट्रोरिफाइनिंग। आप मेटल तो इस प्रकार से आपको एनोड थिक इम्प्योर मेटल का और कैथोड थिन प्योर मेटल का और इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल करेंगे उस मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना करके। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आपको कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिटेड मिलेगी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको छोटा क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्कशन भी करें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आप लोगों ने पढ़ रखा है और तो अब तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत होती है तो डिस्कशन कर लीजिए, आप उसे तुरंत पूछ सकते हैं।
नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन किया गया है प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट ही कलेक्टेड द गैस कवर्ड बाय इनवर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर। ये कोई प्रत्यूष नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं, यू मिस्टर एक्स वाई जेड, आप सल्फर ले रहे हैं और सल्फर को गर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यूष गर्म करें सल्फर को और चाहे आयुष गर्म करें सल्फर को। सल्फर को गर्म करने पर, किसी के द्वारा गर्म करने पर एक ही क्रिया होगी कि सल्फर को गर्म करने पर वो सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आप सूखे लिटमस पर पास करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस नहीं है, इस वजह से लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन लिटमस पेपर। नो इफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, नो इफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, कोई भी आयन इसमें नहीं है, आयनाइज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कोई करेक्टर नहीं शो करेगा। जब हम इसे अगला पॉइंट दिया गया है What will be the action of gas on dry litmus paper? There will be no effect on dry litmus paper. Moist litmus paper, अगर ये litmus paper dry है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये moist है तो sulfur dioxide और plus H2O, moist का मतलब पानी से भीगा हुआ, तो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है, मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो ये जब रिएक्शन में ला रहे हैं तो ये बन जाएगा H2SO3 और H2SO3 डिसोसिएट होगा H प्लस और HSO3 माइनस में, जिस वजह से ये H2SO3, इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है। और सल्फ्यूरस एसिड बनने के बाद ये डिसोसिएट होगा H2SO3 H प्लस प्लस HSO3 माइनस। इस प्रकार से इस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इट विल शो एसिडिक कैरेक्टर। That means litmus paper, जानते हैं कि acidic medium में red हो जाता है, तो litmus paper will change into red color due to presence of hydrogen ion, that is acidic nature of H2SO3 is expressed. While sulfur dioxide in dry state causes no effect due to such reason. Next part of the question is write a balanced chemical equation for the reaction taking place. तो भैया बेटा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपके ब्लैक बोर्ड पर बैलेंस्ड इक्वेशन ही पूरे लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें कुछ हमको जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट था वो आपका ऑलरेडी, जब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं था तो आप ऊपर वाले का आंसर ही नहीं दे पा रहे थे, इक्वेशन आपने कम्प्लीटली ये दे दिया। कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए और फिर अगले क्वेश्चन को अगले दिन सॉल्व करिए, इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे करके तैयार करते चलिए, और कोई दिक्कत अगर हो रही है कहीं से कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो डिस्कशन कर लीजिए। तो आज हम यहीं पर स्टॉप लेते हैं और जब अगले दिन फिर मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप अपने क्वेश्चनों को पूरा पूरा रिपीट करिए, तैयार करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्पज से, उसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर पूरा तैयार कर लीजिए।
बच्चों को जो हमारे क्लास में बैठते हैं उनको हमने रखने का तरीका बता दिया था, अलिक वस्त्र का नाम अलमन जन कर फेकर कौन सर पर विष्णु कुआ पे पटो, इस प्रकार से कई बार रिपीट करके उस सीरीज को तैयार करेंगे कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं तैयार कर डाली है। तो आज हम ये रोकते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर कल बताते हैं और तब तक के लिए आप लोग से रिवाइज करिए। ओके, सी यू अगेन, वी विल मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।